यशोधरा नगर पुलिस थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक समेत 4 पुलिस कर्मियों को एक राशन की दुकान के मालिक को कथित तौर पर पीटने और उससे 1,00,000 रुपए की उगाही करने के आरोप में मंगलवार को निलंबित कर दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। शिकायतकर्ता की मानकापुर क्षेत्र में एक दुकान है और वह 28 मई को कथित तौर पर अपनी दुकान से कुछ अनाज लेकर बाजार में बेचने जा रहा था, जब उसके वाहन को पुलिस ने रोका। पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर वाहन चालक को पीटा और दुकानदार को पुलिस थाने में बुलाया। शिकायतकर्ता के अनुसार पुलिस थाने पर कथित तौर पर दुकानदार को पीटने का आरोप लगाया गया है। मामला रफा दफा करने के लिए 2,00,000 रुपए की मांग की गई। दुकानदार के अनुसार उसने 1,00,000 रुपए दिए, जिसके बाद उसके वाहन को छोड़ दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस आयुक्त नीलोत्पल ने प्रारंभिक जांच की और गत सप्ताह शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को रिपोर्ट सौंपी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस आयुक्त ने 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है और आगे की जाँच शुरू है।